आशा वास्तव में हमारी इच्छाओं का एक छुपा हुआ रूप है। जब तक हम सभी प्रकार की इच्छाओं को, चाहे वे प्रकट हों या छुपी हों, छोड़ नहीं देते, हम अपनी असली वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम आशा करते हैं तो हम भविष्य की कल्पना करते हैं। कोई भी वर्तमान में आशा नहीं कर सकता। आशा भविष्य को लाती है और ये भविष्य ही है जिसमें हमारा मन हजारों खेल खेलता रहता है, हमें धोखा देता है और हमें कल 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 का वादा करता रहता है। लेकिन कल कभी नहीं आता, ये कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि समय हमेशा आज ही होता है। ध्यान में होना मतलब वर्तमान में होना है, और वर्तमान में होने के लिए हमें सभी इच्छाओं की जड़ को काटना होगा, सभी आशाओं की जड़ को काटना होगा। याद रखना, आशा की जड़ को काटने से तुम निराश नहीं हो जाओगे, क्योंकि जब कोई आशा नहीं होती तो निराशा की भी कोई संभावना नहीं होती, वे दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। जब आशा नहीं होती तो निराशा भी नहीं होती, और तुम्हारा पूरा आंतरिक आकाश सभी आशाओं, निराशाओं, इच्छाओं, हताशाओं और अपेक्षाओं के बादलों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारा पूरा आकाश बस साफ होता है और सत्य का सूर्य, तुम्हारे अपने अस्तित्व का सूर्य चमक उठता है। ध्यान में रहो, वर्तमान में रहो और सभी इच्छाओं और आशाओं को छोड़ दो। यही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। प्रणाम।